हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोर रिसेंट मेथड्स ऑफ स्टडिंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करने के कौन कौन से मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। और प्रीवियस में हम लोगों ने स्टार्टिंग से किया था कि डबल सॉल्ट के बारे में सबसे पहले देखा था, उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में देखा था, और उसके बाद में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर को देखा था, जिस पे वर्नर ने वर्क किया था, ओके, 20 इयर्स तक। एंड उसके बाद में हम लोगों ने कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी थी, जहाँ पे स्ट्रक्चर्स, शेप, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट इसके बाद डिस्कस हुआ था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक दूसरे से इंटरलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक बार इसकी समरी बताऊं तो ये है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो एडिशन कंपाउंड्स फाइंड आउट किए गए, ओके, क्योंकि एडिशन कंपाउंड ऑलरेडी नोन थे, बट क्या हो रहा था, एडिशन कंपाउंड जैसा बिहेवियर शो कर रहे थे वो करेक्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे था कि COCl3 into 4NH3 COCl3 into 6NH3, ये थे तो एडिशन कंपाउंड, बट बिहेव अलग अलग तरीके से कर रहे थे, प्रेसिपिटेशन अलग तरीके से दे रहे थे अगर इनको हम सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट कर रहे थे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जब वर्नर ने, सबसे स्टार्टिंग में अल्फ्रेड वर्नर जो थे, तो उन्होंने बताया कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये कुछ डिफरेंट होते हैं। तो उन्होंने क्लासीफाई किया था डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनको उन्होंने अलग किया, क्लासीफाई किया। फिर दूसरी प्रॉब्लम थी उनकी बॉन्डिंग की। ठीक है, कि उनकी बॉन्डिंग कैसे होती है, क्यों अलग होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो उसकी हिस्ट्री को समझने के लिए, उसको समझने के लिए क्या किया, बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई। ठीक है, तो वर्नर ने अपनी सबसे पहली थ्योरी दी थी, जो कि मैंने ऑलरेडी सेकेंड लेक्चर में कराया है, वर्नर थ्योरी के नाम से भी उसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, उसके कुछ और पॉइंट्स होंगे जो आगे पढ़ेंगे, बट उसका जो मेन पॉइंट था वो वैलेंसी का था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट वर्नर ने दिया था सबसे पहले। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो सबसे पहले उनका स्ट्रक्चर में जो कंट्रीब्यूशन था सेफ स्ट्रक्चर बताने में, वो वैलेंसी का था। ठीक है, और उनका ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल करेक्ट भी था। ठीक है, सही था। कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने और भी दिए थे, जैसे सेफ के बारे में दिया था कि ट्राइगोनल प्रिज्म हो सकता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं था कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखे, इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ही स्ट्रक्चर आ रहे थे जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 थे। ठीक है, तो ऐसी जगह पे कई जगह थ्योरी फेल भी हुई और कई जगह थ्योरी सही भी थी। फिर वर्नर की थ्योरी के बाद, ठीक है, और थ्योरीज को लाना पड़ा, क्योंकि ये करेक्टली प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट तो ठीक था, बट हाइब्रिडाइजेशन शो करना, कलर की प्रॉपर्टीज शो करना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करना, और इसमें जो लीगेंड बन जाते हैं मेटल के साथ कैसा इंट्रैक्शन होता है, लीगेंड किस किस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, बाइडेंटेट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, इन सारी कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए आगे थ्योरीज आई। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी वर्नर थ्योरी के बारे में देखा है और उसको भी अभी कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, तो वर्नर थ्योरी को आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम VBT थ्योरी। ठीक है, क्योंकि वर्नर ने अपनी थ्योरी दी थी, उसके बाद VBT थ्योरी आई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको जनरली पॉलिंग कहते हैं, कि पॉलिंग ने ही दिया था। ठीक है, अब वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बिहेव पे, ठीक है, क्योंकि हर एक कॉम्प्लेक्स का अपना मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, जैसे हर एक मेटल का होता है अपना मैग्नेटिक बिहेवियर, कोई डायमैग्नेटिक होती है, कोई पैरामैग्नेटिक होती है, वैसे कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। तो कॉम्प्लेक्सेस VBT में देखे जाएंगे मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे, उनका हाइब्रिडाइजेशन, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो किया जाएगा। फिर उसके बाद में कलर की प्रॉपर्टी को शो करना, ये हम लोग आगे की थ्योरी में देखेंगे जो VBT के बाद भी आई। ठीक है, CFT थ्योरी, और उसके बाद में जो थ्योरी आई थी वो MOT थ्योरी या LFT थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी या मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसको बोलते मोर रिसेंट थ्योरी। ठीक है, जो इस टाइम यूज की जाती है। तो ये मैंने बता दिया एक ओरल व्यू। ठीक है, जैसे हमको इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि हम इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि एक अलग केमिस्ट्री है और इसका पूरा हिस्ट्री अलग है और इसका जो भी एप्लीकेशन है वो सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो
तो यहाँ पे अगर मोर रिसेंट की बात करें, मोर रिसेंट मेथड्स की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ आयनिक मटेरियल डिपेंड ऑन, जो ये थ्योरी थी वर्नर की थ्योरी, उस पर और स्टडी हुई, ठीक है, वर्नर की थ्योरी पे ही स्टडी चल रही थी, वर्नर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक मटेरियल डिपेंड्स ऑन, जो ये जनरली सबको पता होता है, ठीक है, या आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे सीख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो किसी सॉल्यूशन की होती है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जनरली होती हैं बैटरीज, ठीक है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती हैं वो सारी बैटरीज क्या होती है, उसमें हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो सब किस चीज़ पे, उसमें जो लिक्विड यूज़ करते हैं वो एज अ सॉल्यूशन उसमें सॉल्यूट होता है, ठीक है, चार्ज होते हैं, ठीक है, हम लोग कैथोड एनोड भी जानते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को हमको पता है उनके बारे में, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमको यहाँ पे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है एंड नंबर ऑफ चार्ज ऑन द स्पीसीज विच आर फाउंड ऑन डिसोसिएशन, ठीक है, चार्ज पे डिपेंड करता है, जैसे NaCl को हम क्या करते हैं, NaCl सॉल्ट जो होता है इससे हम लोग सेल गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा Na प्लस एंड Cl माइनस होता है, मतलब जितना ज़्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई होता है उतना ही अच्छा सेल बनता है, ठीक है, तो ये कुछ इनकी बातें हैं कंसंट्रेशन पे, क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेशन होने का मतलब उसमें ज़्यादा Na प्लस एंड Cl माइनस मिलेंगे, और ज़्यादा ये मिलेंगे तो ये क्या करते हैं, चार्ज कैरी करते हैं, तो जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे उतना ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट, एक ओरल कॉन्सेप्ट है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे यूज करना है। सो इसके बाद में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और बात है कि जो MX6 टाइप के कंपाउंड होते हैं, ठीक है, MX6 टाइप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो X है दैट इज़ अ लीगेंड होगा और M मेटल होगा, और जो छः के छः लीगेंड है सेम है, ठीक है, तो वो एक ही फॉर्म में हमेशा सो होंगे, ठीक है, ओनली वन फॉर्म में, यहाँ पे एग्जाम्पल भी है CONS3+ एंड FeCN6-. उसके बाद जो दूसरे टाइप के कॉम्प्लेक्सेज हैं MX5Y, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पांच लीगेंड सेम होंगे, एक डिफरेंट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में 5NH3 है सेम, Cl डिफरेंट है, तो इनके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, और दोनों क्या होंगे, आपस में इक्विवेलेंट होंगे, इसलिए कह सकते हैं कि एक ही स्ट्रक्चर इसका भी पॉसिबल होगा, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का मतलब सेमी, यहाँ पे बीच में इक्विवेलेंट का साइन है। उसके बाद में MX4Y2, ये एक टाइप का आइसोमर बनाएगा, सिस एंड ट्रांस आइसोमर बना सकते हैं, देखो यहाँ पे सिस एंड ट्रांस कैसे बनता है, ये पोजीशन पे जब होता है ना तो सीस होता है, इसको याद कर लो, इस चीज़ को मैं यहाँ पे ट्रिक से बता दे रहा हूँ, जो देखो जो 180 डिग्री पे होंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं एडवांस टाइप के, ठीक है, ये 180 पे जब होगा तो ये क्या होगा, ट्रांस होगा, 180 डिग्री पे हमेशा क्या होता है, ट्रांस होता है, और जब 90 पे होगा YNY तो ये क्या होगा, सीस होगा, 90 डिग्री पे सीस, तो इसको आप याद रखना, इससे आप पहचान सकते हैं, तो यहाँ पे देखो ये 90 पे है दैट इज सिस, एंड ये क्या है 180 पे ट्रांस, ओके, तो सिस ट्रांस दो पॉसिबल होंगे इसमें, एंड अगर MX3Y3 टाइप का, तो इसमें भी इसमें सिस ट्रांस नहीं होते, इसमें फेसियल एंड मेरिडोनियल होते हैं, ठीक है, तो फेस एंड मर इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, मेरिडियनल एंड फेसियल, ठीक है, तो फेसियल क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी, फेसियल का मतलब तीन जो है वो एक ही पास होने चाहिए, ठीक है, 1x1, 1, 2, 3 एक ही रो में होने चाहिए तीन के तीनों, उनको कहते हैं फेसियल, ठीक है, अगर इसको हम 3D में समझें तो तीनों एक ही फेस पे होते हैं, ठीक है, अगर मैं इसके फेस को बनाना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ कि ये तीनों एक फेस पे कैसे हैं, ये ऐसे हैं, देखिए ये देखो ये तीनों एक ट्रायंगल के फेस पे आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फेसियल, और मेरिडियनल क्या होता है, मेरिडियनल में हमारा क्या होता है, ये तीनों एक फेस में नहीं आते, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, ये पीछे साइड पे, ठीक है, ये यहाँ पे है, ये नीचे है, नहीं ऊपर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, तो आपको फेसियल पता करना है, ये फेसियल है, फेसियल हमको ऐसे पता कर लेना है ट्रायंगल बना के, अगर फेसियल नहीं तो मेरिडियनल होगा, ओके, सो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे ये दोनों, फेसियल मेरिडियनल का, ठीक है, इनको आप अच्छे सीखिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमको हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और आगे देखते हैं ये हमने अभी बताया कि आइसोमर इन ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ओके, सो अब इसके बाद जो स्टार्ट होने वाला है वो क्या है, कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कंडक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, मोलर कंडक्टिविटी चार्ज पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ इसको, मोलर कंडक्टिविटी
अब ये कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखते हैं, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ये डिपेंड करती है डायरेक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ चार्ज का मतलब प्लस टू से ज्यादा प्लस थ्री की होगी, प्लस थ्री से ज्यादा प्लस फोर की होगी, प्लस फोर से ज्यादा प्लस फाइव की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे कंडक्टिविटी बढ़ रही है ना, और यहाँ पे देखिए दो चार छः चार्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। थ्री थ्री सिक्स टू टू फोर वन वन टू, ठीक है, ये यहाँ से कैलकुलेशन होता है। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं, ये पूरा लिखा है जो थ्योरी। और इसके बाद में नंबर ऑफ चार्ज रिलेटेड टू द मॉडर्न वर्नर थ्योरी से कैसे रिलेट करती है, वर्नर थ्योरी को देखो। ये देखो वर्नर थ्योरी में क्या था, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना था, तीन सेल बाहर आए थे, मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया, आप वहाँ से जरूर देखिए, नहीं ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कैसे टूट जाते हैं तीनों, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है कैटायनिक वो अलग हो जाता है, एंड थ्री सी एल माइनस अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे तीन सी एल माइनस है और एक एक ये पूरा एक आयन होगा, ठीक, ये पूरा क्या है एक आयन है, और ये क्या है तीन आयन है। तो कितने आयन्स हुए यहाँ पे, फोर आयन्स हुए। चार्ज कितना है, थ्री चार्ज यहाँ पे है प्लस का, एंड थ्री सी एल माइनस में चार्ज है, तो इसलिए सिक्स चार्ज। एंड प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, मैंने बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है, ये प्लस थ्री हो जाएगा, सी थ्री हो जाएगा, एंड सिक्स रेस थ्री दैट इज इक्वल टू सेकेंडरी वैलेंसी सिक्स होती है, बिकॉज यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स आता है, ठीक है। एंड अगर बात करें हम सेकेंड में, तो यहाँ पे आएगा टू प्लस, ठीक है। चार्ज यहाँ पे कितना आएगा, चार्ज यहाँ पे रेज कर देते हैं, चार्ज आएगा यहाँ पे टू प्लस यहाँ पे आ रहा है एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, और जो टू सी एल माइनस है उसके आगे जो टू है, क्योंकि दो सी एल होंगे तो दोनों पे एक एक चार्ज होगा, इसलिए टू टू फोर, फोर हो जाएगा टोटल चार्ज। प्राइमरी वैलेंसी मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट इज यहाँ पे सी ओ टू प्लस आएगा, ठीक है, इसका जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो, ठीक है। तो ये प्राइमरी वैलेंसी, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मेथड है, मैं इसको सेपरेटली एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में बताऊंगा, ठीक है, तो आप वहाँ से देखना, ठीक है। और बाकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिक्स एन एस थ्री है, तो सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर, फाइव एन एस थ्री एंड वन सी एल, सिक्स टोटल अटैच्ड हैं कोबाल्ट के साथ, तो सिक्स, यहाँ पे फोर एंड टू सिक्स, ठीक है। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऑक्सीडेशन के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में बताऊंगा, ठीक है, वहाँ से आप देखना। तो यहाँ पे वर्नर्स का जो AgCl एक्सपेरिमेंट था, AgCl एक्सपेरिमेंट को मैंने सेकंड में बताया था कि वर्नर ने क्या थे कॉम्प्लेक्सेस को AgNO3 से ट्रीट किया था, और AgNO3 से ट्रीट करने पे उन्होंने AgCl के प्रेसिपिटेट देखे थे, ठीक है, जिसमें जितने प्रेसिपिटेट मिल रहे थे, जैसे टू AgCl मिल रहा था तो वहाँ पे दो क्लोरीन बाहर थे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर थे, तीन AgCl मिल रहे थे तो तीन क्लोरीन बाहर थे, उन्होंने ये बताया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये एक एज एन एग्जाम्पल दिखाई गई है, टू पार्टिकल, थ्री पार्टिकल, फोर पार्टिकल, टू चार्ज, फोर चार्ज, सिक्स चार्ज। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, इस ये जो एक कंक्लूजन है, ठीक है, ये कंक्लूजन क्या कहता है, मैंने अभी बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी, अभी मैं जो भी बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी को ही डिनोट करने वाली हैं, ठीक है, इसलिए आप उसको माइंड में रख के इसको सीखिए, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी चार्ज पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, और ये डायरेक्टली मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के भी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के भी, ठीक है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ आयन्स होते हैं जो प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे Li प्लस अलग हो जाता है, Cl माइनस अलग हो जाता है, तो दो यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, Mg2 प्लस अलग हो जाता है, टू Cl माइनस अलग हो जाते हैं, मतलब कि Mg2 प्लस एक है और टू Cl में दो Cl हैं, इसलिए तीन पार्टिकल हैं। चार्ज टोटल कितना है, टू प्लस यहाँ पे है, टू Cl माइनस दो Cl पे एक एक माइनस, इसलिए टू माइनस एंड टू प्लस, दैट इज टोटल फोर चार्ज, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए ये लेंथेनम क्लोराइड है, ठीक है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, और यहाँ पे क्या है, एल ए थ्री प्लस एंड थ्री सी एल माइनस, तो यहाँ पे एक ये आयन है एंड थ्री क्लोरीन्स हैं, तो टोटल चार पार्टिकल हैं। बट आयन अगर हम इसके चार्ज की बात करें तो थ्री प्लस चार्ज यहाँ पे है, एक माइनस चार्ज एक क्लोरीन पे, तीन क्लोरीन है, तो थ्री थ्री सिक्स चार्ज, ओके। सो ये आपको यह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ही बताना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे की तरफ कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी बताता है, तो पार्टिकल्स कैलकुलेशन मैंने बता दिया किस बिहा पे करते हैं। अब जैसे ये टेबल, ये जितना भी लिखा है ना, ये सारी चीज़ें इस टेबल में ही जो है कंक्लूड है, इसलिए मैं डायरेक्ट टेबल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि थ्योरीज हम लोगों को ऑलरेडी पता रहता है, जो टेबल्स होते हैं हम लोग उनको स्किप कर देते हैं, ठीक है, या तो इतना डिटेल में उनको नहीं सीखते, तो मैं उन सारी चीज़ों को डिटेल में बताऊँगा जो टेबल में है, स्किप कर दूंगा, कर सकते हैं हम वो जो हमको यहाँ पे
ओल्डली एक्सप्लेन कर रहे हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स था, एडिशन कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, तो इस ये ऐसे मिल रहे थे इस फॉर्मेट में, ठीक है। ये मैंने बताया था सेकंड लेक्चर में, आप देखिए वहाँ पे, तो ऐसे फॉर्मेट मिल रहे थे। तो यहाँ पे चार्ज हम कितना बता सकते हैं, इसमें चार्ज कितना होगा, 3+ यहाँ पे है और 3 क्लोरीन का एक एक माइनस, 3 क्लोरीन है, तीनों पे एक एक माइनस है, तो 3 माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, 3+ हो जाएंगे, टोटल 6 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ज है, ये पार्टिकल यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, बट यहाँ पे मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ जिससे आपको एक बार और पता चले। पार्टिकल कितने हैं, एक ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक पार्टिकल होगा, और ये 3 क्लोरीन 4 पार्टिकल होंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2+ यहाँ पे है, 2- यहाँ पे, टोटल 4 चार्ज होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पार्टिकल कितने होंगे, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक, और ये 2 क्लोरीन 3 पार्टिकल्स, ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखिए, अगर CONH3CL2 1+ यहाँ पे 1- तो चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा ओनली 2, एंड पार्टिकल्स कितने हैं, पार्टिकल भी हैं 2, ठीक है। इस पे देखिए, इसमें ना तो कोई चार्ज है, ना तो कोई पार्टिकल एक है, ठीक है, चार्ज तो नहीं है, यहाँ पे 0 है, पार्टिकल लेकिन 1 है, ठीक है। देखिए जहाँ पे चार्ज अगर प्लस माइनस नहीं लिखा है तो वहाँ पे 0 होता है, ठीक, आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कटायनिक जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर थे, कटायनिक थे, और यहाँ पे एनायनिक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है, इनको बोलते हैं एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ओके। तो पोटेशियम प्लस, यहाँ पे भी एक पोटेशियम का चार्ज, एक इसका चार्ज, तो चार्ज 2 हो जाएगा इसके लिए, और पार्टिकल कितने हो जाएंगे, 2 पार्टिकल भी हो जाएंगे। और उसके बाद में 2K+ पे 2 पॉजिटिव, क्योंकि 1K पे 1 पॉजिटिव, 2K पे 2 पॉजिटिव, एंड 2 माइनस, दैट इज 4 चार्ज हो जाएगा इस पे, एंड पार्टिकल कितने हो जाएंगे, 2, 1, 3 पार्टिकल हो जाएंगे। एंड लास्ट है, दैट इज चार्ज टोटल हो जाएगा 3+ एंड 3- दैट इज 6 एंड पार्टिकल 4, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको वर्नर थ्योरी समझ में आ चुकी होगी, ठीक, क्योंकि वर्नर थ्योरी का जो मेन कंक्लूजन है वो यहीं पे आके इन टेबल्स में ही जो है एक्सप्लेन है, ठीक है, इसीलिए इसमें टेबल्स बनी, बाकी थ्योरीज में आप देखेंगे टेबल्स नहीं मिलेंगी, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, और इसके बाद अब मैं यहाँ पे एक कंक्लूजिंग लाइन लिख देता हूँ कि जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी, फिर से उसी बात को लिखूंगा, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज डायरेक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। आप इस चीज़ को याद कर लेना तो आज का लेक्चर जो है आपके लिए क्या हो जाएगा, हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे का कॉन्सेप्ट को, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है, जो इस पे बेस्ड है, इसलिए आप इसको ज़रूर देखिए, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को देखो, सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, और फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, क्योंकि इससे आपको आगे वीडियोज़ मिलती रहेंगी और हमको भी इससे सपोर्ट मिलेगा, ओके। सो आई होप आपको समझ आया होगा आज का कॉन्सेप्ट, थैंक यू।